महिंद्रा एक देसी ऑटोमोबाइल कंपनी जो जानी जाती है अपनी SUVs के लिए। अगर आपको सबसे लंबी रेंज SUVs कार की देखनी है तो आप जाएं महिंद्रा के डीलरशिप में। इसी कंपनी के SUVs के कलेक्शन से हमने आज चूज करी है इसकी सबसे फेमस SUV कार XUV500। आज हम बात करेंगे XUV500 के बेस वेरिएंट W5 के बारे में, जानेंगे इस कार को कंप्लीट डिटेल्स में। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं इस कार के डायमेंशंस के बारे में। इसकी जो विड्थ दी हुई है वो 1890 mm की दे रखी है, लेंथ 4585 mm की है, हाइट 1785 mm की मिलेगी और इस कार का जो व्हील बेस है वो 2700 mm का दिया हुआ है। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 200 mm का। इस कार को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इस कार के एक्सटीरियर्स को। इसको अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो इसमें रेडिएटर ग्रिल के ऊपर सबसे पहले दिया हुआ है महिंद्रा का लोगो, जो कि दिया है क्रोम फिनिश में। इसके रेडिएटर ग्रिल्स पे आप देख सकते हैं इसमें सिल्वर इंसर्ट दे रखे हैं, यानी इसका जो रेडिएटर ग्रिल है वो ब्लैक और सिल्वर फिनिश में आता है, जो कि सपोर्ट करता है इस कार की फ्रंट की स्टाइलिंग को। ये आप देख सकते हैं इस कार के फ्रंट के बोल्ड लुक को। इसमें मिलेंगे फॉलो मी हेडलैम्प्स, यानी अगर आपने हेडलैम्प्स को ऑन करके कार को लॉक किया है तो इसके हेडलैम्प्स कुछ देर तक ऑन रहेंगे, उसके बाद ही ऑफ हो जाएंगे। इसी वेरिएंट में आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और उसी के बगल में दे रखा है सेपरेट हाई बीम हेडलैम्प्स। सराउंडिंग्स में मिलेगा क्रोम का वर्क जो कि बढ़ाता है इसकी स्टाइलिंग को। इस साइड में आप देख सकते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं। नीचे की तरफ दिया हुआ पियानो ब्लैक फिनिश इस कार को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए। इसमें आते हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ R17 इंच के स्टील व्हील्स। जब आप इस कार को परचेज करेंगे तो इसमें महिंद्रा की तरफ से फुल व्हील कैप्स आते हैं, तो ये व्हील कैप आपको फिट होके मिलेंगे। आउटसाइड मिरर्स दिए हुए हैं बॉडी कलर में, उसी में मिलेगा टर्न इंडिकेटर। साइड में आप देख सकते हैं इसमें करेक्टर लाइंस दी हुई है इसकी स्टाइलिंग को बढ़ाने के लिए। टॉप पे देखेंगे तो इसमें इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स रखी है जो कि दी हुई है ब्लैक कलर की। सी पिलर्स का ब्लैक कलर का दिया हुआ है, ये आप इसकी फुल कंप्लीट साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं। बैक में दिया हुआ रियर स्पॉइलर और उसी में मिलेगा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। इसके अगर आप रियर बम्पर को देखेंगे तो उसमें दे रखे हैं रिफ्लेक्टर्स और उसी के नीचे मिले गए ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप्स। बीचों बीच मिलेगा महिंद्रा का क्रोम फिनिश में लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसमें रियर गार्निश दे रखा है। यहीं पे मेंशन कर रखा है क्रोम में महिंद्रा को। XUV 500 का यहाँ पे लोगो मिलेगा और नीचे दे रखा है W5 जो कि इस कार का वेरिएंट का नाम है, उसका एम्बलम। ये आप देख सकते हैं न्यू डिजाइन की इसकी टेल लैंप्स को। इसमें आता है रियर वाइपर और फॉग को हटाने के लिए डिफॉगिंग लाइंस दे रखी हैं। ये आपके सामने इस कार का रियर लुक। अब चलिए चलते इसके टेल गेट को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर के बूट स्पेस को। ये कार 7 सीटर है, इसमें थर्ड रो सिटिंग दी हुई है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें बूट स्पेस ना के बराबर मिलेगा। ये फ्लैप के नीचे इसमें टूल्स दिए हुए हैं और इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ फिट किया हुआ है। इसकी जो थर्ड रो सिटिंग आती है वो 50-50 पे स्प्लिट है, यानी आप इसकी सीट को जरूरत पड़ने पर हाफ बेंड कर सकते हैं या फुल बेंड कर सकते हैं। और इन दोनों सीट को बेंड करने के बाद निकल आता है एक सफिशिएंट बूट स्पेस। इसमें आती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड, जिसमें सबसे टॉप में मिलेगा डोर लॉक का बटन, मिडिल में बूट ओपनर और नीचे दिया हुआ है डोर अनलॉक का बटन। बैक में महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलेगी। ये कीज फ्लिप फंक्शन के साथ आती है, यानी आप इसकी कीज को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। इसकी सेकेंड कीज को भी देख सकते हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल दी हुई है, लेकिन ये नॉन रिमोट लॉक के साथ आती है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बटन नहीं दिए हुए हैं।
लेकिन इसमें फ्लिप फंक्शन यानी इसमें फोल्डेबल फंक्शन आपको मिलेगा। अब खोलते हैं इस कार के डोर्स को और देखते हैं इसके इंटीरियर को। ये आप देख सकते हैं इसमें प्रीमियम ब्लैक एंड ग्रे कलर का इंटीरियर दिया हुआ है। रियर डोर को देखेंगे तो उसमें पावर विंडो स्विच दिया हुआ है, ये हैंडल दे रखा है, बॉटल होल्डर्स एंड मैगजीन्स रखने के लिए इसमें स्पेस दे रखा है। ये सेकेंड रो सीटिंग आपके सामने है, इसमें अच्छा लेग स्पेस आपको मिलेगा। इसी सीट्स में आते हैं हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इसमें मिडिल पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट दिया हुआ है। सीट के बीचों बीच मिलेगा रियर फोल्डिंग आर्मरेस्ट विथ टू कप होल्डर्स। इसकी सेकेंड रो सीटिंग 60-40 स्प्लिट दी हुई है, जरूरत पड़ने पर आप एक पोर्शन को बेंड भी कर सकते हैं। इसकी जो 40% पोर्शन वाली सीट है वो डबल फोल्डिंग के साथ दे रखी है और इसको फोल्ड करने के बाद निकल के आता है थर्ड रो में जाने का रास्ता। ये आप इस कार की थर्ड रो की सीटिंग को देख सकते हैं, इसमें सेकेंड रो के मुकाबले लेग स्पेस आपको कम मिलेगा, तो ये एडल्ट के मुकाबले बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। अब देखते हैं इसके ड्राइवर्स डोर को, जिसमें दिया हुआ है चाइल्ड विंडो लॉक। आउटसाइड मिरर्स इसमें मैनुअल हैं, आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करने पड़ेंगे, लेकिन इनको आप इलेक्ट्रिकली इन बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल फोर डोर्स के पावर विंडो के स्विचेस इसमें दिए हुए हैं, एक हैवी हैंडल दे रखा है इसमें, म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर फिट किए गए हैं, बॉटल होल्डर्स एंड मैगजीन्स रखने के लिए इसमें स्पेस दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसमें ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ ग्रे एंड ब्लैक कलर के टोन पे दे रखा है इसका डैशबोर्ड। इसके अगर आप पावर स्टीयरिंग को देखेंगे तो मिडिल में दिया हुआ है महिंद्रा का लोगो। इसका स्टीयरिंग टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, इसके स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपने ड्राइविंग कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सेफ्टी के लिए मिलेंगे ड्यूअल एयरबैग्स, एक ड्राइवर साइड के लिए, एक फ्रंट पैसेंजर के लिए, प्लस इसमें ABS एंड EBD भी आता है। ड्राइवर नी के पास मिलेगा फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन और उसी के बगल में मिलेगा हेडलैम्प लेवलर। ये आपके सामने है बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया हुआ इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। कार को जैसे ही आप ऑन करेंगे इसमें वेलकम फंक्शन मिलेगा, यानी इसकी दोनों डिटेल्स पूरी ऊपर जाएंगी फिर वापस आएंगी। इसमें ब्लू कलर की लाइटिंग्स दी हुई हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लगती हैं। ये इस कार का सेंटर कंसोल दे रखा है जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर मिलेगा 6 इंची का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें आप कई सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक सिस्टम की इंफॉर्मेशन आती हैं, कई सारी ड्राइवर इंफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं, जैसे कि आप इस कार का माइलेज इसमें देख सकते हैं, डिस्टेंस टू MT, कितना फ्यूल और कितनी दूर तक कार जा सकती है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इस कार में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है, या आप इसके म्यूजिक सिस्टम की बटन्स को देख सकते हैं जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में दिए हुए हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें CD प्लेयर आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें USB पोर्ट एंड ऑक्सिलरी पोर्ट दिया हुआ है। उसी के बगल में एक 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है, जिसमें आप कोई भी 12 वोल्ट का अटैचमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर। इस कार में आता है मैनुअल रोटरी बेस्ड AC प्लस हीटर। अगर इसके टोटल AC वेंट्स को चेक करेंगे तो फ्रंट सीटिंग के लिए डैशबोर्ड में AC वेंट्स दिए हुए हैं, सेकेंड रो सीटिंग्स के लिए B पिलर पे दे रखे हैं एंड थर्ड रो सीटिंग के लिए इसमें C पिलर्स पे AC वेंट्स मिलेंगे, यानी इसमें हर रो सीटिंग्स के लिए पर्याप्त AC वेंट्स दे रखे हैं। इसके सेंटर कंसोल को और ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसके AC वेंट्स के सराउंडिंग्स पे क्रोम की रिंग्स दी हुई हैं। ये नीचे देख सकते हैं सारे इंडिकेटर्स को ऑन करने का ये स्विच दिया हुआ है।
और उसी के साइड में दिया हुआ ये माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ये स्विच। जी हाँ, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि अगर आपने इस स्विच को ऑन कर रखा और ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो 2.5 सेकंड के बाद इसका इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे आप क्लच को प्रेस करेंगे तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये इसमें दे रखी है फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी। ड्राइवर के ऊपर ही मिलेगा इसमें मैप लैंप। बैक में देखेंगे तो एक केबिन लैंप दिया हुआ है। ये ब्लूटूथ का माइक फिट कर रखा है। फ्रंट पैसेंजर के सनवाइजर के पीछे मिलेगा ये एक वैनिटी मिरर। इसमें आता है फ्रंट आर्मरेस्ट और उसी के अंदर दिया हुआ है एक स्टोरेज बॉक्स। इसके डैशबोर्ड में ऊपर साइड दे रखा है एक स्टोरेज बॉक्स और उसी के नीचे दिया हुआ है ग्लोब बॉक्स जो कि दो पार्ट में दे रखा है। ये काफी डीप है और इसी के अंदर आप देख सकते हैं इसमें लाइट भी दी हुई है। ये है इस कार का गियर लीवर नॉब। इसमें 6 फॉरवर्ड गियर्स आते हैं। इसके रिवर्स गियर को लगाने के लिए आपको ये लीवर को पुल अप करना पड़ेगा। गियर नॉब लीवर के पीछे मिलेंगे 2 कप होल्डर्स। ये आप इस कार के हैंडब्रेक को देख सकते हैं जो कि कर्व शेप में दे रखा है। ये बाकी कार से थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। अब चलिए जानते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट को। अगर आप इस कार के इंजन कंपार्टमेंट को देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये फुल पैडिंग की हुई है इंजन नॉइस को कंट्रोल करने के लिए। W5 वेरिएंट सिर्फ डीजल इंजन पे ही आती है। इसके इंजन एम हॉक का यहाँ पे क्रोम पे लोगो मिलेगा। इसका इंजन जो है बहुत ही नीटली कवर्ड किया हुआ है। इसके अगर पावरफुल इंजन को जानेंगे तो ये 2.2 लीटर में आता है, यानी ये 2179 सीसी का है जो कि पावर जनरेट करता है 155 bhp की 3750 rpm पे एंड टॉर्क जनरेट करता है 360 nm का 1750 से 2800 rpm तक। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको कार मिलेगी जिसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज जो है वो 16 किलोमीटर पर लीटर का। इस कार को आप 6 कलर ऑप्शंस में चूज कर सकते हैं। क्रिम्सन रेड, मिस्टिक कॉपर, ऑपुलेंट पर्पल, वॉल्कनो ब्लैक, पर्ल व्हाइट एंड मून डस्ट सिल्वर। अब चलिए जानते हैं इस कार के प्राइस को। XUV 500 W5 का जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 12,39,000 रुपीस का है। प्राइसेस टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप इस कार को प्लान करें तो एक बार अपने नियरेस्ट डीलर पर जाके इसके प्राइस को कंफर्म जरूर कर लें। सो गाइस, मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे इस कार में कोई भी कमी नहीं लगी, चाहे हम स्टाइल की बात करें या इसके फीचर्स की। आपको ये कार कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। ऐसे ही और भी बेस वेरिएंट के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।